नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज सुबह 8 बजे दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। सईद को सीने में संक्रमण के बाद 24 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें आईसीयू में रखा गया था और वह कल से जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। सईद के परिवार में एक बेटा और 3 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है। सईद केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा रद्द। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को छोड़कर प्रबंधन और अन्य सभी कोटे को रद्द कर दिया है। इससे 75% सीटों पर खुला दाखिला हो सकेगा। सरकार ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि जो संस्थान आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रबंधन कोटा को देश के शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े घोटाले की जमीन करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार इसे मूकदर्शक बनकर नहीं देखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दाखिले के लिए स्कूलों द्वारा अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध 62 मनमाने और भेदभावपूर्ण नियमों को रद्द कर दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि मोदी सरकार के काम से डरा विपक्ष। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष इससे डर गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज से विपक्ष डरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बात करते हैं तब भी विपक्ष को दर्द होता है, और अगर नहीं करते तब भी उन्हें दर्द होता है। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने भाजपा सरकार पर असहिष्णुता के आरोप लगाए, यहां तक कि साधु संतों को भगवा आतंकवादी कहना शुरू किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब चुप हो गए।